नमस्कार, जय श्री राम। हार्दिक अभिनंदन है आप सबका श्री राम चरितमानस अखंड पाठ की 14वीं कड़ी में। तो कल हमने देखा था महाराज दशरथ के यहाँ चार पुत्रों ने जन्म लिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अयोध्यापुरी आनंद से झूम उठी। चारों कुमार धीरे धीरे बढ़ने लगे, पढ़ने लगे और फिर एक दिन विश्वामित्र आए और व्यथित कर गए सबको। महाराज को, तीनों रानियों को, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राम और लक्ष्मण को ले गए अपने साथ असुरों से यज्ञ के रक्षण हेतु। अब वहां पहुंचकर दोनों भाइयों ने अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह निभाया और साथ ही ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या, जो शिला रूप में थी, उनको भी उस रूप से मुक्ति प्रदान की। पर अब प्रस्थान कर रहे हैं विश्वामित्र के साथ दोनों भाई जनकपुरी की ओर। तो चलिए हम भी हो लेते हैं साथ और देखते हैं चलकर स्वयंवर का दृश्य। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा। गाद सुनो सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सर मही आई। तब प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाए, विविध दान महि देवन पाए। हर्ष चले मुन बृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत बिसेखी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मन सो पाना। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल बिहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहू पास। बनई न बरनत नगर निकाय, जहां जाय मन तहई लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मनिमय विधि जनु स्वकर सवारी। धनिक बनिक बर धन समाना, बैठे सकल वस्तु नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिचाई। मंगलमय मंदिर सबके ने, चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे। पुर नर नारे सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोके बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरो की। धवल धाम मनि पुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाती। तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनिवृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। तो श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं।
मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। तो पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। तो नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों पर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया हो। तो नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान प्रतीत हो रहे हैं। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो फिर बात ही क्या है। तो राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा हो। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबग द्वार सब कुलस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बने विशाल बाजी गज साला, हाय गए रथ संकुल सब काला। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नृप गृह सरस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहां तह विपुल महीपा। देखे अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोर मनमाना, इहां रहे रघुबीर सुजाना। भले ही नाथ कहे कृपा निकेता, उतरे तह मुनि बृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। संग सचिव सुचि भूर भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउए ही भांति। कीन प्रणाम चरण धर माथा, दीन्हे असीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बड़ राहु अनंदे। कुशल प्रश्न कहि बारह बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेखी। प्रेम मगन मनु जानि नृप, करि विवेक उधर धीर। बोले मुनि पद नाहि सिरु, गद गद गिरा गभीर।
तो जनकपुरी की शोभा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि राजमहल के सब दरवाजे फाटक बहुत सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं, हीरे जटित किवाड़ हैं वो। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए, डेरा डाले हुए हैं स्वयंवर के लिए जो आए हैं। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुभीते थे, यानी जो सब तरह से सुहावना था, तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। तो कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा स्वामी, और मुनियों के समूह के साथ वे वहीं ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने को चल दिए। तो राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा बहुत ही आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। तो सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। तो विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी बहुत सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया, आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह, यानी जनक, विशेष रूप से विदेह, देह की सुदबुद से रहित हो गए, यानी विदेह विदेह हो गए। तो मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी में बोले, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक किन्नृप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा, उभय बेश धर के सोयावा, सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिम छंद चकोरा, ताते प्रभु पूछौ सत भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, कह मुनि बिहसे कहे हु नृपनी का, बचन तुम्हार न हो ही अलीका, हे प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी, रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, राम लखन दो बंधु पर, रूप सील बल धाम, मखरा खेउ सब साखि जगो, जिते असुर संग्राम। मुनि तब चरण देखि कहराओ, कहि न सकौ निज पुण्य प्रभाओ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता, इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहिन जाय मन भाव सुहावनी,
सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु पुन पुन प्रभु हे चितव नर नाहु पुलक गात उर अधिक उछाहु मुनि प्रसन्न नाय पद सीसु चले उलवाई नगर अवनीसु सुंदर सदनु सुखद सब काला तहां बासुले दीन भुआला कर पूजा सब विधि सेवकाई गयो राव गृह विदा कराई ऋषय संग रघु वंश मने कर भोजन विश्राम बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरे जामु। जनक जी विश्वामित्र का स्वागत करते हुए बोले, हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिनका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आए? मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। तो हे प्रभु इसीलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ नाथ, बताइए मुझसे छिपाव न कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। तो मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन आपने ठीक यानी यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मनी मन मुस्कुराए, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं यहाँ पर। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। तब राजा ने कहा, हे मुनि आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। तो विदेह यानी जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक रूप से ही प्रेम उपस्थित। तो राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवाकर ले चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था वहां पर राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने महल चले गए। तो रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठ गए। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साब से की जाए जनकपुर आए देखी प्रभु भय बहुर मुनि सकु चाहे प्रगट न कहें मन ही मुस्काही राम अनुज मन की गति जानी भगत बछल ताही हुलसानी परम विनीत सकुच मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई नाथ लखनपुर देखन चाहही प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही जो राउर आय सुमै पावो नगर दिखाई तुरत ले आवो सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति कस न राम तुम राखहु नीति
धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। जाय देखिया वह नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सफल सब के नयन, सुंदर बदन दिखाए। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक सुख लोचन सुख दाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। पीत बसन पर करकट भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तनु अनुहरत सुखंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हर कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सिरह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। कानन कनक फूल छब देही, चितवन चितहि चोरी जनु लेहि। चितवन चार भ्रुकुट बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। तो संध्या हो चली थी, लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखाएं, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। तो अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊंगा। तो यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर जाओ, नगर को देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। तो सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चल दिए। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है दोनों भाइयों की। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मनु चुरा लेते हैं। उनकी चितवन यानी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर लगी हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। तो सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हुए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से लेकर चोटी तक अत्यंत सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वहां बिल्कुल वैसी ही है। कोई भी कैसी भी लेश मात्र भी कमी दोनों भाइयों में दिखाई नहीं देती।
देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहहि परस्पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, सोभासि कहु सुनियति नाही। विष्णु चार भुज विधि मुख चारी, बिकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देवस को नाही, यह छब सखी पटतरिय जाही। बय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर वारी अही, कोटि कोटि सत काम। कहु सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनि के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्हरन आजर निसचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोकन, जो मारीच सुभुज मृदु लोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। गौर किशोर बेशु पर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुसुमित्रा माता। विप्र काज करे बंधु दो, मग मुन बधु धारे। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता असुर मनुष्य नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके पांच मुंह हैं। तो हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर हैं, सांवले हैं और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। तो हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है अब उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है ये। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं और इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मध को चूर करने वाले हैं और सुख की खान हैं,
और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा है और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। तो इस प्रकार दोनों भाइयों का सखी ने परिचय दे दिया। तो दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां बहुत ही प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कहई जो गुजान के यह बरुआ है। जो सके नहीं देख नर ना हो पल पर हर हट करे विबाहु। को कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखि परंतु पन राव न तजई विधि बस हठ अबे कही भजई। को कह जो भल है विधाता सब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जान के ही मिले ही बरुए हूँ नाहिन आली हाँ संदेहु। जो विधि बस अस बने संजोगु तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते कब हुक ए आवहिए ही नाते। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी इन कर दर्शनो दूरी। यह संघट तब होई जय पुण्य पुराकृत भूरे। बोली अपर कहे हु सखिनी का यही ब्याह अतिहित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा हे श्यामल मृदुगात किशोरा। सब अस मंजस अहि सयानी यह सुनि अपर कहि मृदुबानी। सखीन कह को अस कहि बड़ प्रभाव देखत लघु अहि। परसि जा सुपद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। सोकि रहे बिनु शिव धन तोरे यह प्रतीत पर हरि न भोरे। जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। तासु बचन सुन सब हर्षानी ऐसे हो कहि मृदु बानी। हिया हर्षहि बरषहि सुमन सुमुखि सुलोचने बृंद। जाहि जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। चंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी कि यह वर तो जानकी के योग्य है। हे सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। तो किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान भी किया है। परंतु हे सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ेंगे। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता वो छोड़ने वाले नहीं है। तो कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को तो यही वर मिलेगा। हे सखी इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी मेरे तो इसी से अधिक आतुरता हो रही है इतनी कि इसी नाते ये कभी यहाँ तो आएंगे जनकपुरी में घूमने, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। हम इन्हें दोबारा कब देख पाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य काम आए। तो दूसरी सखी बोली तुमने बहुत अच्छा कहा
इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष तो बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी फिर कोमल वाणी से कहने लगी, यह सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, तो वे क्या शिव जी का धनुष तोड़े बिना रह पाएंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब बहुत हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो, बस मन मनाने लगी सब अपने। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसाने लगी। जहां जहां दोनों भाई जाते थे, वहां वहां परम आनंद छा जाता था। पुर पूरब दिश गे दो भाई, जहां धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, बिमल वेदिका रुचिर संवारी। चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठ ही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठ ही नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। जह बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहे कहे मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। सब शिशु ही मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्षुहिय, देख देख दो भ्रात। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम देखा वही अनुजहि रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेश महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मख साला। कौतुक देख चले गुरु माही, जाने बिलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरे आई। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाहि सिर, बैठे आय सुपाई। तो नगर घूमते घूमते अब दोनों भाई पूरब की ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था, जो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी, यानी जिसको जहां बैठना उचित होगा।
तो नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को उस यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। तो सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर उन यज्ञ भूमि के स्थानों की जो बालक उन्हें दिखा रहे थे भरपूर प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें अब बुला लेते थे और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई बड़े प्रेम सहित उनके पास चले भी जाते थे। तो कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लवनिमेश में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। लवनिमेश यानी पलक झपकने के का भी चौथाई समय, इतने में ही ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है माया। तो वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के अनुसार धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। तो इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले आए। देर हुई जानकर उनके मन में थोड़ा भय है, जिनके भय से डर को भी डर लगने लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल यानी भय का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को फिर जबरदस्ती विदा किया, क्योंकि बालक तो उन्हें छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। फिर भय प्रेम विनय और संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। निसि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सब ही संध्या बंदन कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। मुनि बर सयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय सयन तब कीन्ही। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुन पुन प्रभु कह सो बहुताता, पौढ़े धरे उर पद जल जाता। उठे लखन उन से विगत सुनी, अरुण सिखा धुनिकान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निबाहे मुनि सिर नाए। समय जानि गुर आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बागु बर देखे हो जाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर भेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत सुर रूख ल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सर सोह सुहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिल सर सिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रम्य राम यहु, जो राम ही सुख देत।
संध्या समाप्त होने को थी, रात्रि का प्रवेश हो रहा था। मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब जाकर श्री रघुनाथ जी ने शयन किया। तो श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात तब सो जाओ। तब वे कहीं उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। तो रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी जाग उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। तब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। तो बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित बहुत हर्षित हुए। और यह बाग वास्तव में ऐसा परम रमणीय स्थल है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुंद से चितई पूछे मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेही अवसर सीता तहाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनि न जाए देख मनु मोहा। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा की भी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। एक सखी से असंग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेह दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता वहीं आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछ ही सब मृदु बैन। देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुने हर्षि सब सखी सयानी, सिहि अति उत्कंठा जानी। एक कहै नृप सुत तेयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छब जह तह सब लोगु, अवसि देखी अहि देखन जोगु। तास
सुबचन अति से अहे सोहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सख सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरसी नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिसी जनुस सुमृगी सभीत। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी भी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरिजा यानी पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। तो एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी, तो उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास चली आई। तो सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से उससे पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बताओ। तो उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। तो उसके वचन सीता जी को भी अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र भी अकुला उठे। तो उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल दी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। तो नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंद भी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। अस कहि फिर चितहि तेहि ओरा, सिय मुख ससि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति देखाई। सुंदरता कहु सुंदर करई, छब ग्रह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कब रहे जुठारी, के पट तरऊ विदेह कुमारी। सिय शोभा बरन प्रभु, आपन दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, पचन समय अनुहारी। तात जनक तनयाय है सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु छोभा। सो सब कारण जान विधाता,
फर कही सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुबंसि न कर सहज सुभाव, मनु को पंथ पगु धरै न काऊ। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपने हु पर नारी न हेरी। जिन कै लहहि नर पुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु दीठी। मंगन लहहि न जिन कै नाही, ते नर बर धोरे जग माही। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छबि, करई मधुपैव पान। तो इधर सीता चली राम को देखने, उधर रामचंद्र जी को भी कुछ शब्द सुनाई दिए। कंकण हाथों के कड़े, करधनी पाजेब की आवाज, ये सब सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से बोले कि ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर जब उस ओर देखा तो श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि ने सकुचाकर पलकें छोड़ दी हो। निमि जो है वो जनक जी के पूर्वज हैं। कहा जाता है कि जिनका सबकी पलकों में निवास होता है, तो वो निमि भी देखकर उस मिलन को, यानी लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को उन्होंने देखना उचित नहीं समझा, इसलिए सकुचाकर उन्होंने पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। तो सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। तो वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर दिया है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की अब किससे उपमा दूं? तो इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। बोले, हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। तो रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की तो कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं हैं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को खींच नहीं पाती हैं, और भिखारी जिनके यहां से ना ही नहीं पाते हैं, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। तो यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहुंद से सीता, कह गए निप के सोर मन चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जन तह बरस कमल सित श्रेणी। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर के सोर सुहाए। देखी रूप लोचन लल जाने, हर्षे
जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कन्हु पर हरिनि मेखे। अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद ससिह जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा महि पुरानी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कह न सकहि कछु मन सको चानी। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर दो भाई। निक से जन जुग बिमल विधो, जलद पटल बिलगाई। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ सरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भ्रुकुट कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रत नारे। चारु चिपुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला। मुख छबि कहि न जाय मोहि पाही, जो बिलो के बहु काम ल जाही। उर मनि माल कंबु कल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। के हर कटपट पीत धर, सुषमा सील निधान। देख भानु कुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। सीता जी भी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी मृग के छौने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। सब सखियों ने तब लता की ओठ में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया हो। तो श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, बेकाबू हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध होकर देख रही हो। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। तो जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। तो उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें भी शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सुंदर सदृश गला है। कामदेव के हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, यह सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार,
सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरज एक आलिस यानी, सीता सन बोली गहि पानी, बहुरि गौर कर ध्यान करे हु, भूप के सोर देखे किन ले हु। सकुच सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखे राम कै शोभा, सुमिर पितापन मनवति छोभा। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयो गहरु सब कहही सभीता। पुनियाओ बोही बेरिया काली, हस कही मन बेहसी एक आली। गूढ़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयो बिलंब मातु भयमानी। धर बड़ी धीर रामो रानी, फिरी अपन पौ पितु बस जानी। देखन मिस मृग बिहग तरुण, फिरई बहोरि बहोरि। निरखि निरखि रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। जानि कठिन शिव चाप बिसूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुन खानी। परम प्रेम मय मृदु मसिकीन्ही, चारु चित्त भीति लिखे लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदु नहीं जाना। भव भय विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। पति देवता सुतीय महो, मात प्रथम तब रेख। महिमा मित न सकही कही, सहस सारदा सेख। तभी एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। छेड़छाड़ कर रही थी सखियां सीता जी से। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। तो जब सखियों ने सीता जी को परवश यानी प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। तो सखी की यह रहस्यमयी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें, माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं पड़ रहा है, अर्थात बढ़ता ही जाता है। तो शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे मन में विलाप करती हुई, दुखी होती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चलती चली जाती हैं। तो शिव जी के धनुष की कठोरता का जब वो स्मरण करती हैं तो उन्हें चिंता हो जाती है कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में वो दुखी थी। तो प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। तो फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे फिर से हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चल दी।
तो प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। तो सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और छह मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांत युक्त शरीर वाली माता, आपकी जय हो। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली हैं। तो पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायिनी पुरारी प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा पुरपुर सब ही के। कीन्हे प्रगट न कारण देही, अस कहि चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेउ, बोली गौरी हरषु हिय भरेउ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सील, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौर आशीष सुनसिय, सहित हिय हरषि अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जान गौर अनुकूल सियहि हरषु न जाए कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। हृदय सराहत सियल नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव चुवत छल नाही। सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुह भाइन दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। कर भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिस ससि उयाउ सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर बिचारु कीन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। जनम सिंधु पुनि बंधु बिशु, दिन मलीन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमि, चंदु बापुरो रंक। तो पार्वती जी की स्तुति करते हुए सीता कहती हैं, हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी,
आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। तो मेरे मनोरथ को तो आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुरा दी। तो सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को, उस माला को अपने सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर यानी श्री राम तुम्हें मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में बहुत हर्षित हुईं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। तो गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे खुशी के कारण। उधर हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण भी गुरु जी के पास चले गए। तो श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। तो फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए, सुखी हुए। अब श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या वंदन करने लगे। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन है, शोभाहीन, निस्तेज रहता है और कलंकी भी है, काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी भला कैसे कर सकता है। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। बैदेही मुख पट तर दीन्हे, होए दोष बड़ अनुचित कीन्हे, सिय मुख छब विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले न सा बड़ी जानी। कर मुन चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई कीन विश्रामा, विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलोके कहन हस लागे। उय वरुण अवलोक हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदु बानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भये नृपति बलहीन। नृप सब नखत करही उजियारी, तार न सकही चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्ष सकल निसाव साना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होई हही टूटे धनुष सुखारे,
उयउ भानु बिनु श्रम तमनासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमोद घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर्षे बोली लिए दो भाई। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाए। चलहु तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बुलाए। कभी श्री रामचंद्र जी पहले तो सीता जी की तुलना चंद्रमा से कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि चंद्रमा में तो बहुत सारे अवगुण हैं जो सीता में नहीं। तो आगे कहते हैं कि फिर यह घटता बढ़ता रहता है चंद्रमा, और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देता है, और कमल का बैरी है, कमल मुरझा जाता है चंद्रमा के साथ। तो हे चंद्रमा, तुझमें तो बहुत से अवगुण हैं जो सीता में नहीं। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। तो इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। तो मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे कि हे तात, देखो कमल चक्रवाह और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है, सूर्य निकल आया है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। तो जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा मानो बलहीन हो गए हो, तो सब राजा रूपी तारे उजाला यानी मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को नहीं हटा सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया है, तारे छिप गए हैं, संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को आपका प्रताप दिखलाया है। आपके भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने के लिए ही शायद ये धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। तो भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। तो तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। तो शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा पहुंचे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। जय श्री राम। तो इस प्रकार यहाँ बालकांड के 239वें दोहे के साथ हम पहुंच गए हैं 8वें मास पारायण विश्राम पर। समय आ गया है आपसे आज के लिए यहाँ पर विदा लेने का। कल पुनः भेंट होगी अगली कड़ी में। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए इस यात्रा में मेरे साथ, एक एक कदम आगे की ओर। बने रहिए इस यात्रा में अंत तक मेरे साथ। नमस्कार। जय श्री राम। जय भारत।